प्रश्न 12। पहले प्रश्न में हमें फलन मिला है साइन एक्स प्लस ए बटा साइन एक्स माइनस ए। दूसरे प्रश्न में हमें फलन मिला है साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस ए। पहले प्रश्न को लेते हैं और इंटीग्रेशन को हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना आई बराबर है इंटीग्रल साइन एक्स प्लस ए बटा साइन एक्स माइनस ए डीएक्स। अब देखो यहां एक्स माइनस ए है, यदि मुझे अंश में भी एक्स माइनस ए बनाना है तो मुझे इस ए को 2a माइनस ए लिखना चाहिए। तो i का मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए प्लस 2a, 2a माइनस ए, ये x माइनस ए के पदों में लाने के लिए मैंने लिखा है, बटे साइन x माइनस ए, ये एज इट इज आ गया dx। a कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, a कांस्टेंट है। अब हमारा एक तो ये मान हो गया x माइनस ए जो हम लाना चाहते थे, क्योंकि यहां हर में भी हम पाते हैं कि x माइनस ए है, एक ये हो गया। तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया, और हम जानते हैं त्रिकोणमिति से कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां आई हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए, ये तो ए हो गया, कॉस बी अर्थात कॉस 2a प्लस, सूत्र में है यहां फॉर्मूले में है, प्लस कॉस a अर्थात कॉस x माइनस ए साइन b, तो ये हो गया साइन 2a बटे साइन x माइनस ए dx, ऐसा हो गया। एक पद तो हमारा ये हो गया, एक ये हो गया जिसमें कि साइन x माइनस ए का भाग लगना है, तो एक तो ये हो गया, एक हमारा ये पद हो गया है। अब यहां पहले पद में जब हम भाग लगाएंगे तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहां रह जाएगा कॉस 2a। तो पहला जो इंटीग्रेशन हो गया वो तो हो गया कॉस 2a इंटीग्रल dx, कॉस 2a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो कॉस 2a भी कांस्टेंट होगा, इसको तो मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल dx, ये तो हमारा हो गया पहला इंटीग्रेशन, प्लस दूसरे में साइन 2a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल क्या हो गया कॉस x माइनस ए बटे साइन x माइनस ए, कॉट x माइनस ए, कॉट x माइनस ए dx, ऐसा हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो dx का तो समाकलन आसान है, x होगा तो इसको तो मैं लिख दूं कॉस 2a इंटू एक्स प्लस साइन 2a इंटू कॉट x माइनस ए dx। हम क्या, हमारा सूत्र है इंटीग्रल कॉट x dx log मॉड्यूलस साइन x प्लस c होता है। अब यहां x माइनस ए है तो ये कितना हो जाएगा log मॉड्यूलस साइन x माइनस ए प्लस सी, और ये हमारा i का मान होगा। हमने cot x माइनस ए dx का समाकलन क्या किया, इस सूत्र से किया कि इंटीग्रेशन cot x dx किसके बराबर होता है, log मॉड्यूलस साइन x प्लस सी, इसलिए ये कितना हो जाएगा log मॉड्यूलस साइन x माइनस ए प्लस सी। इस प्रकार हमने i का मान ज्ञात कर लिया। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं और यहां से इसको मिटा देते हैं, पुनः हम यहां इंटीग्रेशन को i के बराबर मान लें। तो माना i बराबर है इंटीग्रल साइन x बटा साइन x माइनस ए dx, x माइनस ए मुझे अंश में बनाना है,
इसके लिए मुझे a जोड़ना है और a घटाना है, तो ये हो गया इंटीग्रल साइन x में मैंने a जोड़ दिया और a घटा दिया बटे साइन x माइनस a dx, ये एज इट इज आ गया। x माइनस a को मुझे a ट्रीट करना है और साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b होता है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। ये हो गया इंटीग्रल साइन x माइनस a cos a प्लस cos x माइनस a साइन a अपॉन साइन x माइनस a dx, ऐसा हमें मिलेगा। उन्हें हमने पहले पद में जब भाग लगाया तो हमें मिल गया cos a कांस्टेंट है इंटीग्रल dx, cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस यहां साइन a तो कांस्टेंट है इंटीग्रल cot x माइनस a dx। इंटीग्रेशन cot x dx क्या होता है, log साइन मॉडुलस x प्लस c, तो ये मान हो जाएगा cos a इंटू x, ये तो पहला इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन dx का तो हो गया x, ये तो हमारा पहला पद हो जाएगा, प्लस साइन a एज इट इज log मॉडुलस साइन x माइनस a प्लस c, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था कि इंटीग्रेशन cot x dx log मॉडुलस साइन x प्लस c होता है, उसी सूत्र का यहां भी प्रयोग किया, log यहां cot x माइनस a dx है तो ये हो गया log मॉडुलस x माइनस a के बराबर, प्लस c, c समाकलन का अचर है।